स्पेशल रिपोर्ट में फिर से आपका स्वागत है। बात जरा शिरडी और साईं बाबा के जन्म स्थान से जुड़े विवाद की। उद्धव ठाकरे का बयान कुछ दिनों पहले का जमकर उस पर बवाल हो गया था। विरोध इतना ज्यादा कि साईं फाउंडेशन मानने को तैयार नहीं था। आनन फानन में उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि साईं संस्था के सभी दलीलों को उद्धव ठाकरे ने माना और अब शिवसेना का ये दावा है कि मसला सुलझ गया है। देखिए, पात्री जो जन्म स्थान बोला है उन्होंने उनका वो बयान वापस लेना मांगता है। विकास हो हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन पात्री जन्म स्थल के बारे में जो वाद है वो खसोजा समाप्त होना चाहिए। वास्तव में जो सीएम साहब ने जन्म स्थान का नाम लिया है वो नहीं होना चाहिए। किसी को भी कितना भी पैसा दो, हमको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन बाबा ने हयात में कभी बाबा का जन्म स्थान बताया नहीं। इसीलिए हजारों करोड़ों साई भक्तों का दिल दुखा है, इसीलिए आंदोलन करना जरूरी हम समझते हैं। सबका मालिक एक है, शिरडी के साईं ऐसा ही मानते थे, लेकिन जब उसी साईं के जन्म स्थान पर विवाद हो गया तब महाराष्ट्र सरकार के ही खिलाफ शिरडी के लोगों और ग्राम सभा ने मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री उद्धव ने ये कहकर विवाद की चिंगारी पैदा कर दी थी कि परभणी जिले का पाथरी ही साईं का जन्म स्थान है। बवाल इतना बढ़ा कि रविवार को शिरडी के बाजार चौक बंद हो गए। भक्तों और साईं भक्ति से गुलजार रहने वाला शिरडी रविवार को गुमसुम दिखा। हालांकि साईं मंदिर में दर्शन चालू था, लेकिन विवाद के मौन विरोध के बीच शिरडी में विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी बैकफुट पर आना पड़ा। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के सह्याद्री हाउस में शिरडी और पाथरी के लोगों से मुलाकात की। बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव के अलावा डिप्टी सीएम अजीत पवार, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के सीईओ दीपक मुगलीकर, शिरडी के सांसद सदाशिव लोखंडे, शिरडी से विधायक राधा कृष्ण विखे पाटिल मौजूद थे। शिरडी के साथ साथ पूरे देश की नजर मुंबई में चल रही मुलाकात पर थी, क्योंकि ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में साईं के भक्त मौजूद हैं, जो यही मानते हैं कि साईं बाबा की कर्मभूमि कहीं और नहीं सिर्फ शिरडी ही थी। हालांकि उद्धव के लिए राहत की बात ये थी कि मीटिंग से पहले रविवार देर शाम ही शिरडी ग्राम सभा ने शहर बंद के फैसले को वापस ले लिया था, लेकिन इस अल्टीमेटम के साथ कि अगर बातचीत का फैसला उनके हक में नहीं रहा तो आंदोलन जारी रहेगा। बाबा ने कभी बताया नहीं हमारी जात कौन सी और धर्म कौन सा है। इसी वजह से हम मांग यही कर रहे हैं सरकार से कि जब तक आप जो जन्म स्थल का शब्द वापस नहीं लेते तब तक इसी तरह से ये आंदोलन शुरू रहेगा। उनका डेवलपमेंट के लिए कितना भी पैसा दो, लेकिन जन्म स्थान का मुद्दा उचित नहीं है। वो कोई भी बात करे, लेकिन साईं बाबा का जन्म स्थान वगैरह कुछ पता नहीं है। साईं बाबा ने बताया ही नहीं, साईं बाबा ने अपना जन्म स्थान का ठिकाना भी बताया नहीं, और जो वास्तव्य का वो शिरडी में किया। आखिरी दम तक साईं बाबा समाधि रहता कि वास्तव्य क्या। घंटों तो चली बैठक में कई अहम फैसले निकल कर सामने आए। शिरडी के शिवसेना नेता कमलाकर कोटे ने नतीजों का खुलासा किया, जिसके मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे ने आश्वासन दिया है कि साईं बाबा के जन्म स्थान को लेकर अब कोई विवाद नहीं होगा। शिरडी धर्म संस्थान की दलीलों को उद्धव ने मंजूर कर लिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सबका मालिक एक है, इस संदेश को और अधिक विस्तार दिया जाए। साथ ही इस बैठक में यह भी तय हुआ कि पाथरी गांव के विकास के लिए 100 करोड़ का फंड दिया जाएगा। हमने जो जो बातें उनके सामने रखी उन्होंने वो सब बातें एक्सेप्ट कर दी और उन्होंने हमारा समाधान किया। शिरडी ग्रामस्थों ने इस विवाद पे अभी इसके बाद में कोई भी विवाद खड़ा नहीं होगा, इस बारे में उन्हें हमें आश्वस्त किया है और ये बात हम शिरडी ग्रामस्थ की तरफ यही पे खत्म कर रहे हैं। कमलाकर कोटे के बयान को सुने तो ऐसा लगता है कि साईं और साईं के जन्म स्थान को लेकर विवाद पर पर्दा गिर चुका है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई अब कोई बवाल, विवाद या हंगामा नहीं होगा? हमारा समाधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है और वो इसके बारे में आपसे बात करेंगे। परेशानी क्या थी आप लोगों की? देखो हमारी परेशानी थी, उन्होंने जो बयान किया था उसके बारे में उन्होंने आज हमारा समाधान किया है और उसके बारे में खुलासा वो आपको करेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ बैठक होने के बाद शिरडी धर्म स्थान से जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने अपना जो विरोध था वो वापस ले लिया है। पाथरी जो परभनी में है उसे 100 करोड़ रुपए तो दिए जाएंगे, लेकिन वो डेवलपमेंट के लिए होंगे और वो साईं बाबा जन्म स्थान है ऐसा
आगे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कहा जाएगा, जिसके चलते शिरडी के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने अपना समाधान व्यक्त किया है और जो आंदोलन था उसे पीछे लिया। शिरडी ग्राम सभा ने शिरडी बंद को आगे जारी नहीं रखने का फैसला तो रविवार को ही कर लिया था, लेकिन आज की मीटिंग के बाद कहा तो जा रहा है कि साईं से जुड़े सारे विवादों का द एंड हो गया, लेकिन आखिरी सच के लिए कुछ और दिनों का इंतजार करना होगा। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ नितिन मिरानी, शिरडी आज तक। साईं बाबा की जन्मस्थली और कर्मस्थली के बीच का ये विवाद है, इस रिपोर्ट में आप समझ गए, लेकिन ये विवाद पहली बार सामने नहीं आया, लेकिन हाँ नए सिरे से जरूर उठ गया जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पाथरी जो कि जन्मस्थली बताकर वो 100 करोड़ वहां के विकास के लिए पैसे आवंटित कर रहे थे। बस ये बात यहाँ शिरडी के लोगों को पसंद नहीं आई, उन्हें लगा और उनका ये आरोप था कि इसके बाद से तो शिरडी का जो साई ट्रस्ट है या मंदिर है, न सिर्फ वहाँ पर चढ़ावे में कमी आएगी, लोगों के पहुँचने में कमी आएगी, बल्कि पूरे शिरडी के ही कारोबार पर असर पड़ेगा। साईं बाबा की जन्मस्थली को लेकर विवाद नया नहीं है, शिरडी और पाथरी को लेकर दावे अपने आते रहे। कुछ का मानना है कि पाथरी जन्मभूमि है और शिरडी कर्मभूमि, लेकिन साईं बाबा के जन्मस्थान विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान के बाद मामला गर्मा गया। 9 जनवरी को दिए गए बयान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परभणी जिले के पाथरी को साईं के जन्मस्थली के तौर पर विकसित करने की बात की। इसके लिए उन्होंने बकायदा 100 करोड़ के पैकेज का भी ऐलान किया। पाथरी येथे साई जन्मस्थान जे आहे तिथे सुद्धा आम्ही एक विकास आराखडा केलेला आहे आणि लवकरात लवकर त्याचं भूमिपूजन होऊन ते सुद्धा एक क्षेत्र तीर्थक्षेत्र सारखं आम्ही विकसित करतो। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पाथरी को जन्मस्थली वो बता चुके हैं। 2018 में साई समाधि शताब्दी समारोह के उद्घाटन के वक्त उन्होंने कहा था, पाथरी साईं बाबा का जन्म स्थान है, मैं पाथरी के विकास के लिए काम करूंगा। तब भी विवाद गहराया था, लेकिन नौबत ऐसी नहीं आई थी। शिरडी में साईं भक्तों की आस्था ही है कि साईं ट्रस्ट दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक ट्रस्टों में से एक है। दान से ट्रस्ट की कमाई इतनी है कि कोई भी हैरत में आ जाए। 2019 में साईं दरबार में 287 करोड़ का चढ़ावा आया। चढ़ावे में कैश के अलावा 19 किलो सोना, 392 किलो चांदी, 2018 में आया था 285 करोड़ का चढ़ावा। मंदिर ट्रस्ट के पास 1500 करोड़ से ज्यादा का फिक्स्ड डिपॉजिट। अब शिरडी वालों को डर है कि कहीं पाथरी को साईं के जन्मस्थली के तौर पर विकसित किया गया तो न सिर्फ शिरडी की जीवन शैली पर इसका असर पड़ेगा, बल्कि यहां का कारोबार और व्यापार भी चौपट हो जाएगा। नितिन मिराड़े के साथ पंकज खेलकर, शिरडी आज तक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह दावा किया है कि शिरडी विवाद उन्होंने सुलझा लिया है। उनका ये कहना है कि शिरडी के लोग अब इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि पाथरी के विकास के लिए जो रकम दी जा रही है वो वहां पर विकास के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए आज तक।